मालूम का बच्चा क्या बना? तुम बहुत टॉकी करता है, ये बताओ तुम आज क्या बनाया? बहुत अच्छा खुशबू फैला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 के दशक की उस अभिनेत्री की, जिसका नाम सुनते ही एक गोल मटोल और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने नाच उठता है। पैसा कितना लाया आज? पैसा? अरे आज तो बहुत मंदा रहा। मंदा रहा? अरे तुम्हारी सड़ी भी दवाई कौन पिएगा? इस अभिनेत्री को बॉलीवुड की पहली सबसे सफल महिला कॉमेडियन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस दौर में अपनी कॉमेडी से इन्होंने जो ख्याति अर्जित की, उतनी ख्याति किसी अन्य महिला कॉमेडियन को हासिल नहीं हुई। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कॉमेडी से लोगों को लोट पोट कर हंसाने वाली ये अभिनेत्री पहले एक गायिका थी और बाद में ये कॉमेडियन बनी। बीते दौर का लोकप्रिय गीत अफसाना लिख रही हूँ इनकी ही सुरीली आवाज में था, लेकिन फिल्मी पर्दे पर खूब हंसने और हंसाने वाली इस अभिनेत्री की असल जिंदगी बेहद ही दर्दनाक रही। बचपन में जमीन जायदाद के लिए रिश्तेदारों ने माँ बाप और भाई की बर्बरता से हत्या कर दी और बाद में उन्हीं लोगों ने इन्हें घर में रहने की जगह दी और दो वक्त की रोटी के लिए इनसे सारे काम नौकरों जैसे कराए। तो दोस्तों, कौन थी ये अभिनेत्री और कैसे इन्होंने गांव से मुंबई आकर गायिका बनने और फिर गायिका से मशहूर कॉमेडियन बनने का सफर तय किया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री टुनटुन के फिल्मी सफर और उनके लाइफ के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टुनटुन ये नाम सुनते ही 60 के दशक की उस अदाकारा का नाम सामने आता है जो पर्दे पर हंसती भी थी और शर्माती भी। वजन अधिक होने के बावजूद टुनटुन ने अपने इसी रूप से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ। एक पंजाबी परिवार में जन्मी टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। पैदा होने के 2 साल बाद ही मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि यही प्रॉपर्टी पूरे परिवार की मौत की वजह भी बनेगी। जब टुनटुन 2.5 साल की थी तो रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद 2 बच्चे बचे, एक टुनटुन और दूसरे उनके बड़े भाई हरी। रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन नौकर की हैसियत से। टुनटुन को नहीं पता था कि उनके माता पिता कैसे दिखते थे, क्योंकि जब उन लोगों की हत्या हुई तो वह बहुत छोटी थी। उनके ब्रदर ही थे जो उनका बहुत ही ख्याल रखते थे, लेकिन उनका साया भी थोड़े समय बाद हट गया। जब वो 4 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने उनके भाई हरी की भी हत्या कर दी। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई और बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना वक्त पर खाना मिलता था और ना ही रिश्तेदारों में बराबरी का दर्जा। उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। काम पड़ने पर टुनटुन को किसी एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता था तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। जहाँ भी जाती बस चिल्लत भरी जिंदगी ही जीती। टुनटुन की पढ़ाई के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था, उनसे बस घर के सारे काम करवाए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको जरूर मिलता है। टुनटुन के साथ भी वही हुआ। उनको बचपन से ही संगीत से बहुत प्यार था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उनका रियाज किया करती थी। इतना ही नहीं, गाने के बोल क्या हैं, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का गाना है, ये तमाम चीजें उन्हें पता होती थी। संगीत से खास लगाव होने की वजह से उनका भी सपना एक सफल सिंगर बनने का ही था। वो चाहती थी कि मुंबई जाकर वह संगीत में अपना करियर बनाए, लेकिन उस वक्त तो उनका पढ़ाई करना तक मुश्किल था और संगीत की शिक्षा लेनी तो दूर की बात थी। टुनटुन अक्सर काम के सिलसिले में दरियागंज में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाया करती थी। एक दिन वहां पर उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई। ये वो शख्स थे जिन्होंने टुनटुन की गायकी के हुनर को देखा और समझा। अब्बास काजी ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन किस्मत ने टुनटुन को फिर धोखा दिया। काजी को किसी जरूरी काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा और टुनटुन का ये सपना अधूरा ही रह गया। जब टुनटुन की जिंदगी में ये रास्ता बंद हुआ तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल दिया। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुंबई के कई फिल्म वालों को जानती थी।
कुछ समय बिताने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन टुनटुन ने उनको ये बात बताई कि उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। टुनटुन भी उस दोस्त के साथ भागकर मुंबई आ गई। वहां पर दोस्त ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट से कराई। नए शहर में जाने के बाद टुनटुन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो नितिन बोस के असिस्टेंट ने उन्हें अपने घर पर पनाह दे दी। एक्टर गोविंदा के माता पिता से भी टुनटुन की काफी अच्छी दोस्ती थी। मुंबई में कुछ समय बिताने के बाद टुनटुन की दोस्ती डायरेक्टर अरुण कुमार आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई। ये गोविंदा के माता पिता थे। दोनों ने कई फिल्म डायरेक्टर से उनकी मुलाकात करवाई और ऐसे ही उनके संगीत का सफर शुरू हुआ। इसी दौरान टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक नई फिल्म बना रहे हैं। इतनी सी खबर मिलते ही वो पहुंच गई रशीद कारदार के दफ्तर। टुनटुन उससे पहले मिली नहीं थी, तो उन्हीं से पूछ बैठी कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार कहाँ है और मुझे उनकी आने वाली फिल्म में गाना गाना है। वो हमेशा से ही बेपाक बोलती थी। उनकी यही बेपाकी और मासूमियत अब्दुल रशीद को पसंद आई और उन्होंने संगीत का नौशाद से कहा कि वो टुनटुन का टेस्ट ले लें। और नौशाद साहब उनकी आवाज से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको तुरंत काम दे दिया। टुनटुन ने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गाने से संगीत करियर की शुरुआत की। इस गाने के बाद ही वो रातों रात बड़ी स्टार बन गई। इस गाने से लाहौर में बैठे अख्तर अब्बास काजी भी इतने प्रभावित हुए कि वह मुंबई आ गए। ये वही अख्तर अब्बास काजी थे जो शुरुआत में टुनटुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लाहौर जाना पड़ा। मुंबई पहुंचकर उन्होंने सीधे टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज किया। टुनटुन भी उन्हें पसंद करती थी, जिसके बाद दोनों ने 1947 में शादी कर ली। वो उन्हें प्यार से मोहन बुलाती थी। शादी के बाद टुनटुन माँ बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। बच्चे हो जाने के बाद वो पहले से बहुत मोटी हो गई थी। वह फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करना चाहती थी। वो सीधे जाकर नौशाद साहब से मिली। टुनटुन ने कहा कि मुझे अब फिर से गाना है, अगर कोई गीत हो तो आप मुझे जरूर बताएं। लेकिन थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नौशाद साहब बोले कि टुनटुन अब इंडस्ट्री का माहौल बदल गया है। लता मंगेशकर जैसी सिंगर संगीत की शिक्षा लेकर इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं। उन सबके बीच में खुद को फिर से स्थापित करना तुम्हारे लिए बेहद ही मुश्किल होगा। टुनटुन सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। नौशाद साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। नौशाद साहब ने कहा कि तुम्हें संगीत से हटकर कुछ और सोचना चाहिए। मेरी मानो तो एक बार एक्टिंग में हाथ आजमा कर देखो। टुनटुन ने कहा कि मैं बतौर एक्टर फिल्मों में काम करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा एक्टिंग डेब्यू दिलीप कुमार की फिल्म से हो। टुनटुन का असली नाम उमा देवी था, तो आइए जानते हैं कि उमा देवी से कैसे बनी है टुनटुन। ये बात है 1950 की। फिल्म बाबुल रिलीज हुई थी। ये टुनटुन की एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ टुनटुन नजर आई थी। फिल्म में एक सीन था जहां दिलीप कुमार से टुनटुन टकरा जाती हैं और दोनों एक साथ पलंग पर गिर जाते हैं। इसी सीन की शूटिंग के दौरान टुनटुन के गिरे जाने पर दिलीप कुमार कहते हैं कि कोई उठाओ इस टुनटुन को। दिलीप कुमार के मुंह से निकला ये नाम उनको इतना पसंद आया कि इसके बाद उन्होंने अपना नाम टुनटुन ही रख लिया। लेकिन इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था कि इसी नाम से आगे चलकर वो एक लंबी पारी खेलेंगी। टुनटुन लगातार कई हिट फिल्में करती गई और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। सभी डायरेक्टर फीमेल कॉमेडियन के लिए सिर्फ उन्हें ही अप्रोच करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। आलम यह था कि उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने उन सभी के साथ काम किया था और अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद टुनटुन की फिल्मों की संख्या में कमी आने लगी थी। जहाँ एक वक्त था कि एक साल में वो 10 से 12 फिल्में करती थी, वहीं वो साल में एक फिल्म ही करने लगी और कुछ साल बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। और वजह थी उनके पति काजी की मौत।
उनके पति की मौत 1992 में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा वक्त अपने परिवार के साथ बिताया। इतना सफल करियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई कसर न छोड़ी हो, उसको किसी सम्मान से नवाजा नहीं गया। 24 नवंबर 2023 को मुंबई में टुनटुन ने अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। टुनटुन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी बेहतरीन अदाकारी के जरिए वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। तो दोस्तों, टुनटुन के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।